नमस्कार, मैं हूं कविता मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल एवन न्यूज टीवी में। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। गणतंत्र दिवस परेड में लगातार दूसरे साल यूपी की झांकी बनी नंबर वन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नामांकन के लिए आज गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष कितनी भी कोशिश कर ले, भाजपा 300 से ऊपर सीट पाएगी। अखिलेश जैन समेत 400 कार्यकर्ताओं पर दादरी में FIR दर्ज, आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। पंजाब चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, सोनिया, प्रियंका और राहुल का नाम शामिल। लंबे इंतजार के बाद दिल्ली के स्कूल अब एक बार फिर खुलने जा रहे हैं। 14 फरवरी से दिल्ली में नर्सरी से 12वीं तक के सभी छात्र स्कूल जा सकेंगे। नीट PG एग्जाम 2022 को केंद्र ने 6 से 8 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया है। प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हरियाणा सरकार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली में 9 फरवरी को फिर से गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। देश भर में बीते 24 घंटों में कोरोना के 1,40,000 से ज्यादा केस सामने आए, वहीं 1,072 लोगों की मौत हुई। करणी सेना ने अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज पर बैन लगाने की मांग की है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एवन न्यूज टीवी। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें एवन न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।